देश में बारिश को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन हर साल जब बारिश आती है तो सरकार के विकास के दावों के पैर उखड़ जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बाढ़ में देश को डुबो कौन रहा है, कुदरत या लापरवाही का करप्शन? रायपुर छत्तीसगढ़, सोमवार रात में हुई तेज बारिश के बाद हालत ये है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पौश इलाकों में से एक तेलीबांधा में बाढ़ जैसा माहौल है। तेलीबांधा थाने का हाल देख रहे हैं आप। जब थाना ही डूब गया तो जनता की सुध कौन लेगा? थाने में पानी ना घुसे इसके लिए टेबल लगाई गई। थाने में प्रवेश करने के लिए इस टेबल पर चढ़कर अंदर जाना होता है। इसके बावजूद बारिश का पानी थाने में अंदर पहुंच चुका है और थाने के सारे दस्तावेज टेबल पर बाहर आ चुके हैं। वो तो गनीमत है कि थाने के हवालात में कोई कैदी नहीं, क्योंकि वहां भी पानी पहुंच चुका है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक रात की तेज बारिश से बाढ़ सी स्थिति बन जाती है, लेकिन फिर भी सरकारें छत्तीसगढ़ को संभावनाओं का गढ़ कहकर खुश हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान से चलते हैं उत्तराखंड के पहाड़ की तरफ, बागेश्वर। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही है। बारिश का पानी घर, स्कूल और दुकानों में दाखिल हो चुका है। प्रशासन का कहना है कि रात भर में बागेश्वर में 225 मिलीमीटर बारिश हुई और इस बारिश के पानी में कई गाड़ियां बह गई हैं, तो कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बागेश्वर में तेज बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। सरयू नदी की इन खतरनाक से दिखने वाली लहरों में कई जानवर बह चुके हैं। इस मुश्किल की घड़ी में लोग सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। सरकार हमें कुछ मदद कर देगा, गरीब लोग है, लेबर करता है, पैसे भीग गए, हमारा क्या कहते हैं घर भी बह गया, पानी से पूरा भर गया, क्या कहते हैं पैसे भी बह गए, राशन भी पूरा आटा चावल गीले पूरा भीग गए ये। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि वो किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। चारों तरफ लैंडस्लाइड्स भी काफी जगह में देखने को मिले हैं। प्रशासन पूरी तरफ से तैयार है। सुबह 5 बजे से जब से हमारे पास फोन आने शुरू हुए, हम प्रशासन की पूरी टीम जगह जगह जाकर मौका मुआयना कर रही है। लेकिन बारिश की वजह से नदी में आए तूफान और भूस्खलन से लोगों में दहशत का माहौल है। पार के लोग तो सभी अपना घर बार छोड़ के पीछे हट जाते हैं। बहुत से बच्चे तो रोने भी लग जाते हैं, पापा नदी आ गई, नदी आ गई, कुछ भी हो सकता है। यही हाल मध्य प्रदेश का है। ये ना तो नदी है ना कोई नहर, ये एक पुल था जो बारिश की वजह से बह चुका है। मध्य प्रदेश में रायसेन विदिशा रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 146 पर ये पुल बना था। दरअसल कोड़ी नाले पर नए पुल को बनाने के लिए निर्माण एजेंसी ने यहाँ कच्चा डायवर्जन पुल बनाया था, लेकिन इसमें पानी निकालने के लिए उचित व्यवस्था थी नहीं, जिस वजह से आज 50 फीट लंबा डायवर्जन मिट्टी के ढेर की तरह बह गया। तो बारिश का पानी बाढ़ बनकर लोगों से घर तो छीन ही रहा है, साथ में लंबे समय से बन रहे इन जैसे पुलों को भी बहा ले जा रहा है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।